हे फोक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 6:50 AM सुबह के, एंड आज काफ़ी जल्दी उठ गया बिकॉज ये वीडियो शूट करना था मुझे। एंड सुबह उठ जाओ तो अच्छा भी रहता है। और एक और नई बात डिस्कवर करी कि अगर नहा के सो तो सुबह बाल अच्छे मतलब सेट होते हैं या खड़े होते हैं कह सकते हो। तो ये वीडियो शुरू करते हैं और हमारा जो मेन खजाना है वो इस बैग में है, तो उसको निकाल लेते हैं बाहर। सबसे पहले तो ये मेरे हेलमेट की ट्रांसपेरेंट शील्ड जो पहले वाली थी, इसका काम है, मुझे इसलिए लाया। एंड हम मेन चीज़ निकालते हैं, तो मेन चीज़ ये है। और ये एक्चुअली इसको आए हुए कम से कम 10 दिन हो चुके हैं और ये ऐसे ही रखा हुआ था। बाय द वे, इसका जो ये टैग लगा है इससे आप पता लगा सकते हो कि मैं नेक्स्ट कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ लोकेशन है मेरी। सर हमारे पास 2 हेलमेट है मेरे, तो उस पर ट्राई करेंगे पहले लगा के। एंड क्लियर वाइजर इसलिए लाया हूँ जिससे आपको टेस्ट करके दिखा सकूँ मैं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स या अनरैप कर लेते हैं। एंड ऑलरेडी मैं ओपन कर चुका हूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको फाड़ के दिखाने की दोबारा। क्या लेटर, चलान तो नहीं भेज दिया? नहीं, लेटर, एक लेटर है, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। सीरियसली ये नहीं पढ़ा मैंने अभी तक। डियर सर मैडम, आई एम टेलर फ्रॉम दी टेक मटीरियल लिमिटेड, अप्रिशिएट दैट यू कैन टेक टाइम टू रिव्यू वी 24। बेसिकली ये बस मुझे एक रिव्यू करने के लिए मिला है कि मुझे रिव्यू करना और फीडबैक देना है कि कैसा है, तो इसको फिलहाल अभी साइड में रखते हैं। और इसके बाद मेन चीज़ हमारी, तो ये रहे 2 एंटी फॉग वाइजर्स, एक को साइड में रखते हैं। तो ये बेसिकली हेलमेट इंसर्ट वाइजर्स हैं जो किसी भी हेलमेट में इजीली फिट हो जाएंगे और एंटी फॉग मतलब ये फॉग जमने नहीं देंगे हेलमेट पे। तो बेसिकली ये ठंडक में, रेन में काफ़ी काम आने वाले हैं। जैसे कि आप ये वाला देख रहे हो, ये हिस्सा हेलमेट के अंदर साइड फिट हो जाएगा, इसके बाद आपका हेलमेट अंदर से फॉग अप नहीं होगा। तो एक मेरे पास ये मेरा स्टड्स थंडर हेलमेट है और दूसरा मेरा एमटी वाला हेलमेट है। तो आप देख सकते हो दोनों के वाइजर टिंटेड है। मुझे एक्चुअली इसको शो करना था एक प्लेन वाइजर पे, बट टिंटेड थोड़ा कूल लगता है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। और बेसिकली मैं रात में ट्रैवल नहीं करता तो मुझे उतनी नीड नहीं पड़ती प्लेन वाइजर की। फिलहाल मेरे पास मेरा एक पुराना क्लियर वाइजर पड़ा है एमटी हेलमेट का, इसको निकाल लेते हैं। एंड जैसे कि आप देख रहे हो इसमें यहाँ पे 2 क्लिप्स दे रखी हैं, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों क्लिप्स दे रखी हैं, तो इसके बीच में एकदम फिट होगा वो। एक्चुअली एमटी हेलमेट है स्पेशली, तो इसमें ये ऑप्शन मतलब इसमें इसके लिए जगह दे रखी है कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। मुझे लगा काफ़ी काम की चीज़ है और मुझे इसको वीडियो बनाना चाहिए बिकॉज एक SMK का हेलमेट मैंने यूज़ किया था, मतलब लगाया था, तो उसमें लगा था एंटी फॉग वाइज़र। और सच में उस दिन से मैंने सोच लिया था कि मुझे लेना है, बट जैसे कि आप जानते हो यूट्यूबर्स को ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं पड़ती, जो कि अच्छी बात है। ओपन कर लेते हैं इसको पहले। तो कुछ ऐसा मटेरियल मिलेगा लगाने के लिए, एक क्लीनिंग क्लॉथ मिलेगा मुझे जिससे मैं अपने हेलमेट का इनर वाइजर पहले क्लीन करूंगा और उसके बाद इंस्टॉल करूंगा। सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूं आपको अपने जो स्ट्रेट्स वाला हेलमेट है, बिकॉज उसका जो वाइजर है एकदम क्लीन है और एकदम नया रखा हुआ है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं उसको भी यूज़ करने वाला हूँ आगे। तो लगाते हैं उसमें, इंस्टॉल करते हैं। और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी मुझे लगता है दिए हुए हैं अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इनकी। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉस्टली ज़रूर है, बट अगर सेफ्टी को देखा जाए तो सेफ्टी का ही कोई भी चीज़ कॉस्टली नहीं होती। 800 रुपये कुछ नहीं है अगर आपको एकदम क्लियर व्यू मिल रहा है इतना अच्छा। तो हमारा क्लीनिंग क्लोथ बाहर निकाल लेंगे हम। सबसे पहले हम इसका इनर वाइज़र साफ़ करेंगे काफ़ी अच्छे से, और एक्चुअली ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको। वो पूरा अच्छे से क्लीन करना है जितना भी इसका इनर सरफेस है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता इसको कैसे इंस्टॉल करना है, तो मैं खुद पहले देख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका हम रेड पोर्शन है वो निकाल देंगे, जिसके बाद ये स्टिक करेगा हेलमेट से रिमूव। तो ये निकल गया, इसको साइड में रखते हैं और फिलहाल इसको इंसर्ट करते हैं हेलमेट के अंदर। तो हेलमेट में फाइनली ये इंस्टॉल हो गया, और मुझे बेसिकली शीशा निकाल लेना चाहिए था इंस्टॉल करने से पहले इसको। हो जा भाई। तो ये कुछ ऐसा ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, मुझे वो ब्लू टिंट वाली जो पन्नी थी मतलब जो भी चीज़ लगी वो हटानी है जिससे क्लियर वाइजर आ जाए, मतलब हमारा दिखने लगे हमको। एकदम ही परफेक्ट फिट हुआ है ये, और
अभी मैं आपको जो दूसरा वाला वो है उस पर टेस्ट करके भी ये दिखा सकता हूँ। तो वाइजर इंस्टॉल तो कर दिया, बट इसको टेस्ट कैसे करें, बिकॉज़ जनता को सबूत चाहिए, सबूत मांगती जनता। एंड एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिमाग में आया इसको टेस्ट करने का, बिकॉज मैंने भी खुद टेस्ट नहीं किया अभी तक इसको नए वाले को, तो इसको टेस्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 7:40 और हमारे पास है ये भाप लेने वाली मशीन, एक हेलमेट जिसमें इंस्टॉल्ड है एंटी फॉग वाइज़र, वो भी देख लो, ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको ये नीचे, और दूसरा एक हमारे पास ट्रांसपेरेंट वाइज़र भी है कंपैरिजन के लिए कि फॉग आता है सच में। और शुरू करते हैं यहाँ से इसको, तो ये देख सकते हो आप, ये देखो तुरंत आ रहा है। अब यही काम इस हेलमेट के साथ करके देखते हैं। तो अब हेलमेट इसको कर देते हैं और गोप्रो भी इसके अंदर ही रखते हैं, तो देखते हैं कि हेलमेट अंदर से फॉग अप होता है या नहीं होता है। आई एम श्योर काफ़ी लोग को देखना होगा कि अंदर हेलमेट रखते हैं इसके ऊपर। तो मुझे लगता है गोप्रो फॉग अप हो गया है, बट हेलमेट नहीं हुआ। ये देखो आप, हेलमेट अभी भी एकदम क्लियर है। तो मैं जैसे ये शील्ड रखूँगा तुरंत देखो आप, तुरंत क्या हो गया, मतलब 2 सेकंड के अंदर ही ऐसे ही फॉग जमता है, ये देखो। एंड फिर विजिबिलिटी भी ऐसी हो जाती है आपकी, तो आप देख सकते हो क्या हाल होता है। अब इसके ऊपर अपना हेलमेट रख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको विजिबिलिटी दिखाता हूँ। पूरी भाप निकल, मेरा इनफैक्ट गोप्रो फॉग अप हो रहा है। एंड हेलमेट रख दिया, एक्चुअली बहुत गर्म है ये। और लगभग 5 सेकंड तक हेलमेट रखा है मैंने, एंड इसके बाद भी आप विजिबिलिटी देखो हेलमेट के अंदर से एकदम क्लीन। तो ये फ़ायदा होता है एंटी फॉग वाइज़र का। एंड इसके नीचे का पार्ट आप देखो कितना फॉग अप हो गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे नहीं चढ़ा है आपको दिख रहा होगा। इनफैक्ट अब तो खैर हवा चल रही थोड़ी, तो ठीक हो रहा है। ये देखो यहाँ यहाँ इस जगह देखो आप कितना फॉग जम गया तुरंत, बट जहाँ पे शील्ड थी हमारी वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो जनता सबूत मांगती थी, हम जनता को सबूत दिया। तो आपने एंटी फॉग देख लिया, फिलहाल अभी हम जा रहे हैं सुपर राइडर, और बिकॉज एक एक पार्ट आता है इतना बड़ा जिससे आपका गोप्रो किसी भी हेलमेट में अटैच हो सकता है, जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल है और सुपर राइडर में अवेलेबल है। तो रेट का कोई डिफरेंस नहीं है, सेम प्राइस में मिल रहा है, तो मैं उसको सुपर राइडर से पिक कर लूँगा। और दूसरी चीज़ चेन लूप चेन क्लीन लेना है, और देखते हैं स्पीकर्स आ गए होंगे तो स्पीकर भी लेना है, एक दो अच्छे कूल स्पीकर्स चाहिए मुझे। बाय द वे कुछ लोग पूछ रहे थे ये स्पीकर्स कहाँ से लिए मैंने, तो ये गोप्रो का ओरिजिनल स्पीकर है, जब आप कैमरा लोगे तब मिलेगा। और ये फास्ट कैश पक वाला स्पीकर मैंने लिया था सुपर राइडर से। तो जब भी मैं कोई ऐसे स्टोर जाता हूँ, जैसे रेल जैनमिक्स हो गया अपना या सुपर राइडर हो गया, तो वहाँ जितनी भी चीज़ें रखी होती हैं, राइडिंग गेयर्स रखे होते हैं, जितने भी और बाइक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उन सबको देख के इतना लालच आने लगता है। मतलब जब छोटे थे तो कोई भी टॉय शॉप या कहीं भी जाते थे तो खिलौनों को देख के जो लालच आता था, अब वो लालच ऐसे ही राइडिंग वाली चीज़ों को देख के आने लगा है। मतलब लालच अभी भी उतना ही है, वहीं पे है जहाँ पे वो पहले था बचपन में, बट चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये हमारे राइट साइड में सुपर राइडर, और एक्चुअली मैं पहले भी आ चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं भी देख के ही आया था यहीं पे, मैंने कहा ऑनलाइन मंगाने से अच्छा है। सही है, we'll be right back.
जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं, अभी घर पहुँच के दिखाता हूँ आपको। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे, एंड सीधा घर पे मिलते हैं अब मोस्ट प्रॉब्ली घर पे। अगर कुछ ऐसा नहीं दिखा कि जो मुझे आपको दिखाना चाहिए तो सीधा घर पे ही मिलते हैं। तो घर पहुंच गया और सामान ले लिया जो लेना था, दिखा देता हूँ क्या क्या लाया हूँ मैं आज। पहली चीज़ ये जो मैं आप लोग को बता रहा था कि किसी भी हेलमेट में माउंट हो जाएगा, बिकॉज बार बार माउंट स्टिक करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बिकॉज माउंट कभी चिपके ना चिपके। गोप्रो से कैमरा आप लगा दो, थोड़ा सा रिस्क रहता है और डर भी लगता है अंदर से कि कहीं उड़ ना जाए इतनी स्पीड पे, तो ये बेटर ऑप्शन है। इसको दिखाऊंगा अभी, मतलब कि अभी देख लो आप, निकाल लेता हूँ क्या, आप दूसरे व्लॉग के लिए वेट करें। कुछ नहीं, बस ये सब बता दो, सिंपल सा एक ये माउंट है और ये पीछे इसके ग्रिप है काफ़ी अच्छी, मतलब तभी मुझे लगता है कि इसका प्राइस इतना ज़्यादा इन्होंने रखा है। अबाउट 800 रुपीज़ का है ये अमेज़ॉन पे भी और ऐसे भी, और इसकी क्वालिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और इसका लिंक दे दूंगा मैं जिनको अमेज़ॉन से लेना है, बिकॉज सबके आसपास अवेलेबल नहीं है ये, तो 800 रुपीज़ का मिलेगा आपको ये अच्छी क्वालिटी वाला जो बेस्ट होता है। तो इसको साइड में रखते हैं, और उसके बाद मैं लाया हूँ दो ये, तो देख रहे हो इस बार मैं ये फॉक्स के लिए, बिकॉज मैं वहाँ जब पहुँचा तो मेरा फ्रेंड वहाँ पर ऑलरेडी कंप्लेन लिखवा रहा था कि मोटोल इतना अच्छा चल नहीं रहा आजकल, मतलब बहुत जल्दी जो लूप जो चेन लूप है बहुत जल्दी असर खत्म हो जा रहा है उसका, कह रहा है 100-150 किलोमीटर पर ही मारना पड़ रहा है। तो उसने कहा ये ट्राई करते हैं एक बार, वो भी वही करेगा, मैं भी सेम ये ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं कैसा ये परफॉर्म करते हैं। 6:15 और इस ब्लॉग को यहीं फिनिश करते हैं, और मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा ब्लॉग करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो जो मुझे काम थे मैंने सारे काम निपटा लिए हैं। टिल देन राइड सेफ, सारे डॉक्यूमेंट्स रखो, हेलमेट पहनो, चलान से बचो, एंड बाय।